हेलो फ्रेंड्स, मेरे अभी दोस्त ने ना मतलब एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, जो कि कई बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आती है एसएससी और बैंकिंग वगैरह के अंदर भी, मतलब ये क्वेश्चन आता है और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये रीजनिंग सेक्शन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के लिए मतलब एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ओके, तो आप बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पॉज करके इसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है कि वैसे मेरे पास अभी तीन कलर के पेन नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा कि तीन डिफरेंट साइंस बना देता हूँ। ओके, आपको एक दे रखा है कुछ ये वाला साइन जिसको मैं स्टार के टर्म्स में बोल रहा हूँ, और कुछ आपको दे रखा है ये वाला साइन, और आपको कुछ दे रखा है ये वाला साइन। क्या करना है आपको कि आपको ये तीन डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, ये तीनों नंबर एक जैसे, ये तीनों नंबर एक जैसे, ये तीनों नंबर एक जैसे हैं। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे वैल्यू पुट करनी है जिसके द्वारा जो आंसर निकलेगा वो तीनों के तीनों ये वाले नंबर होने चाहिए। दैट मीन्स कि वो ये वाले नंबर होने चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे को जो करना पड़ेगा वो मतलब कि कोई भी नंबर को चूज करना पड़ेगा इस तरीके से कि मतलब कि जो ये तीनों को जोड़ने पे जो यहाँ पे आएगा वही नंबर इन तीनों में भी आना चाहिए, वही ये वाला आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा माइंड का है, मतलब कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, तो इतना आसानी से वैसे सीखना नॉट पॉसिबल है इसको, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरे चाहिए होगा, इतना लंबा भी नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे इस वाले में अगर हम देखते हैं तो हमको बस ये देखना है कि एट 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 अगर मैं ये करता हूँ तो एट थ्री जो 24 होगा, फिर 4 का मतलब यहाँ पे, और ये 2 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि हमारे पास में ये वाला भी 4 आए, देखो ये वाला भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने मतलब देखा था ये तीनों नंबर एक जैसे आएंगे। ऑब्वियसली बात है, इन तीनों को ऐड करके 4 यहाँ पे आया, तो 4 यहाँ पे आने का मतलब है सारे एक जैसे नंबर हैं। तो सबसे पहले तो इनको 4 4 4 यहाँ पे बना ही देंगे हम। ओके, उसके अलावा हमारे को क्या करना है कि जो सॉल्व होने पर निकलेगा 4 12 2 14, दैट मीन्स 1 यहाँ पे कैरी होगा, 1 में ऐसा क्या ऐड करें जो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 1 1 1 वाले रहेंगे हमारे पास में, तो ये आंसर आ जाएगा 4 4 4। तो इसका मतलब है हमारे पास में अगर कोई बोले कि स्टार का वैल्यू क्या है और डॉट का वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है, तो देखो स्टार की वैल्यू जो है हमारे पास में, स्टार में हमने 1 1 1 पुट करे हैं, डॉट के अंदर हमने 4 पुट किया है, एंड दिस इज 8। ओके, एक्चुअली यार जब एग्जाम आता है तो हमको ये माइंड में कैलकुलेशन फटाफट से करनी होती है, हमें सिर्फ ज़्यादातर 2 ही नंबर पर फोकस करना होता है कि पहला ये वाला नंबर, दूसरा ये वाला नंबर। अगर हमारे 2 नंबर आते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, थोड़ा कोशिश करिएगा इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन खुद भी बनाने के लिए, हमें अपने मन में सोच के खुद भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।